आईडिया फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक दुबे आपके साथ। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। वाराणसी में दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी कार्य का बहिष्कार। वाराणसी में दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी कार्य का बहिष्कार के प्रथम दिन सिंचाई विभाग के सभी कार्यालय में पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों पर सिंचाई कॉलोनी वरुणापुरम सिगरा वाराणसी स्थित मुख्य अभियंता के कार्यालय के समक्ष गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया गया तथा दिनांक 9 जनवरी 2019 को दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी में सपा पार्टी के पदाधिकारियों ने किया गोष्ठी। बता दें सपा मुखिया व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पार्टी की उपलब्धियों के बारे में 6 जनवरी 2019 रविवार को सोलापुर क्षेत्र स्थित मुहाव गांव में सभा को संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट। मैं एडवोकेट नीरज यादव समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष पूर्व में रहा हूं और आज हम लोगों की जो मीटिंग हो रही है ये मीटिंग हमारे विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल यादव के सौजन्य से कराई गई है, जिसमें हम समस्त समाजवादी पार्टी के सिपाही, हमारे ऊपर से निर्देश आया हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया है कि हम अपनी नीतियों को और हम अपनी सारी बातों को, जिस तरह से हम लोगों ने 5 साल सरकार चला के गरीब बेरोजगार नौजवान किसान अल्पसंख्यकों की मदद करके पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की जो नैया हम लोग आगे बढ़ाए थे, उसी चीज़ को हम इन लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करने के लिए। वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार काम सिर्फ जातिगत लड़ाई लड़ा रही है, गरीबों और नौजवान मजदूर नौजवान किसानों के लिए कोई कार्य वर्तमान सरकार ने, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से लोग जो है हमारे नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, पढ़ने लिखने। चुनाव आते ही बेरोजगारी और रोजगारी सबको दिखने लगता है, क्या कहेंगे आप इस पे? चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें बेरोजगारी और राम मंदिर और जातिगत सारी बातें होती हैं, और हमारी सरकार जो है समाजवादी पार्टी की बात हम करेंगे, वो चुनाव नहीं चुनाव के बाद भी विकास के मुद्दे पर काम करती है, गरीबों के बारे में सोचती है, किसान के बारे में सोचती है, नौजवान के बारे में। क्या मुद्दा रहेंगे आपके पार्टी के? हमारे पार्टी का मुद्दा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़े लिखे नौजवान तेज तर्रार नेता है, जो कि उनको पता है कि आज के हिंदुस्तान की धरती पर, उत्तर प्रदेश की धरती पर किन लोगों की किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे एम्बुलेंस सेवा हो गई, 1090 हो गया, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हो गई, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और सड़कों का जो चौड़ीकरण सारे जो है जिले। आपको लगता है कि बेरोजगारी भत्ता देने से रोजगारी मिल जाएगी? बेरोजगारी भत्ता देने से रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता देने से इंसान का अपना जीवन यापन चलता है और उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने लिखने में, और हमारे नौजवान अपने आप को सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर हमको कुछ मिल रहा है जो घर से मिलना चाहिए, अगर सरकार मदद कर रही है तो उस पर ध्यान रखें, अपना आकृष्ट करा के अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं और आगे का कार्य करते हैं। अगर साथी तो आपका रोजगार का स्रोत क्या रहेगा? सरकार सत्ता में आती है तो आपको जैसा पता होगा कि सैमसंग से ले से आईटी सिटी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी, उसके बाद हमारे 46 लाख जो हमारे अखिलेश यादव ने भर्तियां कराया था। इस बार नया क्या रहेगा? इस बार नया होगा बेरोजगारी को हटाना और इन जुमलेबाजों की सरकार में जितनी भी घटनाएं होती हैं, अल्पसंख्यकों के साथ जो भी गलत हुआ, जो लोग गलत फंसाए गए, उसके बाद विकास का नारा सर्वोपरि है हमारा हिंदुस्तान का। अखिलेश यादव का निर्णय है कि विकास का ही सर्वोपरि नारा होता है, उसके अलावा कुछ सोचने की बात ही नहीं होती है। सर, मैं बाबूलाल यादव, अजगरा विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। किस प्रकार का आज आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का चलाया हुआ गया है कि अति पिछड़ों के बीच में जाना है और हमें अपने पूरे लोगों को जोड़ना है, चालू है दूर रह के, जो हमारे 5 साल में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किया है, आज तक के सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसी को क्रम में बढ़ाने के लिए हम लोग जन जन तक ये पहुँचा रहे हैं कि कितना कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है, फिर भी उसके बाद लोग उसके बारे में नहीं जान सके, उनको अपनी बात रखने के लिए हम लोग। क्या उद्देश्य इस तरह के कार्यक्रम करने का, क्या उद्देश्य आप लोगों का? जो हमारे बैकवर्ड क्षेत्र के भाई हैं उनको ये बताना है कि हमारे शासनकाल समाजवादी पार्टी में अच्छे से अच्छे कार्य, गांव-गांव में कार्य हुआ पूरा। आगामी 2019 का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं, क्या मुद्दा होगी आपकी पार्टी का, क्या मुद्दा होगा? हमारा विकास है, विकास का ही मुद्दा है और विकास को लेकर ही हम लोग चल रहे हैं। सपा और बसपा साथी सीटों पर लड़ रही है, क्या कहेंगे आप इसको? गठबंधन अभी हाईकमान का है, जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे।
इस वर्ष में जो चुनाव होगा उसमें सपा बसपा में और भाजपा में जो सीधी टक्कर है, इसमें कौन आपके आपके द्वारा मतलब किसको चुना जाएगा आपकी पार्टी से जो लोकसभा प्रधानमंत्री के लिए सीट पर है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, हाई कमांड डिसाइड करेगी हमारी। अभी हम लोग को प्रत्याशी घोषणा करा गया, उसको हम लोग पूरी जान लगा के जिताने का काम करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद हमारी जो हाई कमांड जिसको डिसीजन करेगी वो अपना प्रधानमंत्री पत्र जो पद। इस बार आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी जीत जाएगी? एकदम भैया, सपा बसपा गठबंधन के कारण हम लोग एकदम। बनारस के किसानों के वैधानिक अधिकार एवं दमन के मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक लड़ेगी कांग्रेस। बता दें वाराणसी में रविवार को देवता का पुखरा कोरोना में अपराह्न 2 बजे से किसान कांग्रेस के तत्वाधान में रिंग रोड फेस 2 से एवं मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की किसान पंचायत किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में हुई। देखिए उसके बाद से ही ये सभी लोग कमर कस कस के नरेंद्र मोदी की हमेशा खिलाफत किए हैं और आज संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं। चुकी सभा 1 बजे से हम लोग चला रहे हैं और ये लड़ाई दिल्ली बनारस से लेकर के दिल्ली तक लड़ी जाएगी। और नरेंद्र मोदी का चेहरा जो किसान विरोधी चेहरा है वो काशी में प्रवासियों के स्वागत के लिए तैयार कूड़े व कचरों का अंबार। बता दें नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक तरफ जहां प्रवासी सम्मेलन के लिए पूरे बनारस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने ग्लेशियर लाइन विजय नगरम में लगातार गंदे पानी के ओवरफ्लो से राहगीरों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लगातार जल संस्थान व नगर निगम के शिकायत दर्ज कराने के बावजूद क्षेत्र की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। यदि रेलवे स्टेशन से यात्री बाहर आते हैं तो उनको इन गंदगी से गुजरना पड़ता है। लगता है प्रवासी भारतीयों का स्वागत इन गंदगी से होगा। देखिए अभियान चल रहा है, ये अलग अलग मोहल्लों में हम लोग अलग अलग दिन जाकर अपने जो हमारे सफाई कर्मचारी जो लोग काम कर रहे हैं उनका निरीक्षण करते हैं और जनता को भी जागरूक करते हैं कि जो सार्वजनिक स्थान है उनको साफ सुथरा रखें और हमारे कर्मचारियों को सफाई करने में सहयोग करें। जैसे कहीं गाड़ी खड़ी है उसके नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं जो है जानवर की वजह से गंदगी है, उनको बताते हैं कि जानवर को बाहर रखें और उनकी वजह से जो नालियाँ और गलियाँ जाम हो रही हैं। सर स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता के नाम पर गंदगी हमेशा होती है, आधी है सीवर लाइन जाम रहता है, जहाँ पे आप आए हुए हैं हमेशा जाम रहता है और कंप्लेन करने के बावजूद भी सफाई आपके विभाग द्वारा सफाई नहीं की जाती, इसकी वजह क्या है? नहीं सफाई कंप्लेंट जो भी है निस्तारित है, तमाम यहाँ पर सीवर लाइन जाम अभी भी जाम है, इस समय सीवर अभी भरे हुए हैं, कई काफ़ी दिन से आपके यहाँ कंप्लेंट किया गया है, बाकी सफाई भी नहीं उठा रही थी। गलियों में कूड़े हैं, बरसात की वजह से पानी है और वो रेगुलर निरंतर सफाई हो रही है, जो कमियाँ और पाई जाएंगी वो यही देखने आए हैं, जो कमी हो उसको दूर किया जाए। सफाई की बात किया जाए तो लगता है कि पिछले 10 से 15 दिन पहले यहाँ पे सफाई हुआ, क्या कहेंगे इस पर? नहीं सफाई हुआ है, रोज आज भी काम कर रहे हैं, हम तो अचानक आए हैं कोई बता नहीं। केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा पहल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा वाराणसी द्वारा पहल कार्यक्रम का आयोजन 7 जनवरी 2019 सोमवार को रामकटोरा स्थित काशी सेवा समिति में किया गया। संस्था द्वारा सभी संवासी बच्चों को ठंड के कपड़े, उनके दैनिक जरूरत की सामग्री दिया गया। सभी बच्चों के बीच हाउसी गेम अनोखी प्रश्नोत्तरी अंताक्षरी कराई व उन्हें पुरस्कार दिया गया। देखिए ऐसी चीजों में मदद करें जैसे इनकी शिक्षा है, इनको उन चीज़ों में मदद करें या जो जहाँ जिस संस्था की जो समस्याएं हैं वहाँ जाकर उन लोगों के बीच बैठ के क्या समस्याएं हैं अगर उनको दूर करने का प्रयास किया जाए तो मेरा ख्याल है कि जो बच्चे थोड़े से कम लकी हैं उनको बहुत मदद मिल सकती है और वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। जैसे आज कुछ बच्चे इन्होंने ये कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहते हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।